हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। क्या अभी और जानकारी मिल रही है कोरोना को लेकर के? हर एक जानकारी हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के उस प्रकरण के बाद से जो हरियाणा का कनेक्शन भी इसमें निकल करके सामने आ रहा है, क्या अभी और जानकारी मिल रही है? कितने तबलीगी जमात के लोग अभी तक मिले हैं? क्या अपडेट है अभी तक? देखिए शुभेंदु, मैं आपको बता दूंगी कि इस तरह का ऐसा कोई मामला रतिया में नहीं देखने को मिला है। जहां तक शहर की बात है, लॉकडाउन के दौरान कल कुछ ऐसी दुकानें खुली जिन्हें अनुमति नहीं है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और दुकानें बंद करवाई। वहीं शुभेंदु, मैं बता दूं कि कल एक बैंकों के आगे बहुत भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद प्रशासन ने इसके ऊपर एक्शन लिया और जो भीड़ है उसको दूर किया। वहीं शुभेंदु, मैं बता दूं कि कल जो पुलिस ने 10 पेटी अवैध शराब पकड़ी है, जो इस दौरान आज पूरे हरियाणा में शराब बंद है, उसको लेकर एक गाड़ी आती है हुकमा वाले गांव से, वो जहाँ पे नाकाबंदी है उसको लेकर आगे निकल जाती है और उसके बाद वो गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। गाड़ी में से 10 पेटी शराब की बरामद हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया अशोक इस पर जानकारी के लिए। तो ये जानकारी हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से साझा कर रहे हैं, आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अभी मौजूदा वक्त में पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है, कहां पर क्या तैयारी है।